और रामू के शोले के बाद अब बारी मालवा के शोले की। इस बार वीरू नहीं गब्बर चढ़ेंगे टंकी पर। और आइए अब आपको ले चलते हैं कैसे बन रही है मध्य प्रदेश में। मालवा के शोले के नाम के इस फिल्म में इन दिनों मानपुर घाट की पहाड़ियों में शूटिंग चल रही है। हिंदी और मालवी भाषा में बन रही इस फिल्म को इंदौर के रहने वाले व्यवसायी दानिश प्रोड्यूस कर रहे हैं। मालवा के शोले में पुरानी शोले के किरदारों ठाकुर, गब्बर, जय, वीरू और बसंती के साथ साथ ठाकुर की दो बेटियां रमकुड़ी और झमकुड़ी भी नजर आएंगी। इस फिल्म की कहानी तो पुराने शोले वाली ही है, बस इसमें कॉमेडी का मसाला जमकर डाला गया है। और मालवा के शोले के गब्बर को हुआ बसंती से। तुमने अपना नाम नहीं बताया, झांसी की रानी। गब्बर सिंह लौट आएगा, लेकिन मालवा के अंचल से इंदौर में बन रही फिल्म का नाम है मालवा के शोले, लेकिन इसका गब्बर बदल गया है। फिल्म मालवा के शोले की शूटिंग लोकेशन पर चलते हैं। इंदौर में मालवी भाषा में बन रही इस फिल्म का नाम मालवा के शोले रखा गया है। कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म में सभी किरदार पुराने हैं। यहाँ खूंखार गब्बर है, सांबा है, कालिया है और एक बार फिर ये तीन थे और वो दो, फिर भी खाली हाथ लौट आए। तो गब्बर सजा तो देगा ही, लेकिन ये मालवी गब्बर थोड़ा रहम दिल है। पहले ये सबको मुर्गा बनाता है। मुर्गा बनाओ, अरे थाली, रोटी नहीं सरदार। फिर डंडा जमाता है। ले, अब लकड़ी खा। दिलचस्प बात ये है कि इसमें बसंती वीरू की नहीं गब्बर की है। उसमें हमने शोले के जो गब्बर सिंह है, बसंती, इन सबको लिया है, लेकिन हमारे सारे स्थानीय कलाकार हैं और वो सब मालवी भाषा में डायलॉग बोलते हैं और हमारे पास जो भी हमारे साधन है, सीमित साधन है, उसी से हम ये फिल्म बना रहे हैं। और ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है जो काफ़ी लोगों को गुदगुदाएगी। शोले फिल्म के अंदर जिस तरह से फाइट है, गाना, प्यार मोहब्बत है, सब चीज़ें, उसी तरह से इसी फिल्म में भी आपको सभी कुछ देखने को मिलेगा। इंदौर स्टूडियो में दानिश गजधर जी मौजूद हैं, ये फिल्म बनाते हैं और इन्होंने ही फिल्म को डायरेक्ट किया। दानिश जी, आपका सारा समय में स्वागत है। ये स्टोरी लाइन आपको नहीं लगता कि बहुत पुरानी हो चुकी है, इसके बावजूद भी इसी स्टोरी लाइन को चुनना, ये आपको क्यों लगता है कि ये कामयाबी की गारंटी है? इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण रहा है, शोले पिक्चर क्या है, सभी दर्शकों के दिमाग में रची बसी है और सभी को इसके सारे डायलॉग्स वगैरह याद हैं। तो जब हम फिल्म प्रोडक्शन शुरू करने जा रहे थे तो हमने सोचा कि कुछ ऐसी फिल्म बनाई जाए जो लोगों के दिमाग में पहले से उतरी हो और उसको हम हमारे हिसाब से मालवी भाषा में कन्वर्ट करें। हमने अपने स्थानीय लोगों को इसके लिए, मैंने अपने राइटर हैं, मेरे अपने डायरेक्टर हैं, उनको ये आइडिया सुनाया, उन्हें काफ़ी पसंद आया सभी लोगों को। तो फिर हमने इस पर बैठ के पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग की, फिर इसमें पूरा हमने अपने यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी 2 महीने की। और उसके बाद जब हम शूटिंग करने के लिए जब हमने ये शुरू किया, जब ये शूटिंग शुरू हुई जिस भी लोकेशन पर, तो जो भी सीन हम जब फिल्मा रहे थे तो जहाँ वहाँ गाँव के लोग जो वहाँ पर थे उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया इस चीज़ को और काफ़ी मतलब हंसे उसी समय जब हमारा शूटिंग चल रही थी उसी समय।